संडे की सुहानी मॉर्निंग वाली गर्मा गर्म चाय, सोडा, बेकिंग सोडा, और उसमें डाला लिक्विड विम्बार और विनेगर, पूरा का पूरा जमा है जैसे उसके नाल का सारा के। ये सोल्यूशन एकदम से इसको क्लीन कर देगा, साथ में दो गर्म पानी की बाल्टी। ये वक्त ना रुका है कभी तो मैं रुक जाऊं कैसे, समय पर जाकर अपॉर्चुनिटीज को थाम कर आगे बढ़ने से ही तो पूरे होते हैं सपने, तो मैं सोई रह जाऊं कैसे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। तो ये था संडे का दिन, तो संडे रहता है थोड़ा सा रिलैक्स। तो सवेरे 5:30 बजे अपनी नींद खुल जाती है, तो उठ करके मैं सीधे चली गई थी अपने लॉन एरिया में। थोड़ी देर बैठ करके मैंने सोचा चलो योगा करते हुए अपने थोड़ी सी एक्सरसाइज के साथ फिर बाकी के रूटीन को शुरू किया जाए। तो अभी सूरज भी पूरा दिखा नहीं है और जोशी जी भी आ गए थे उठ करके फिर उधर, क्योंकि आज की मॉर्निंग रूटीन में ना मेरा प्लान था चिमनी को डीप क्लीन करने का। तो सबसे पहले ले लेते हैं मॉर्निंग अपना वार्म वाटर, 2 ग्लास गुनगुना पानी मैं पी लेती हूँ। उसके बाद बनाते हैं बढ़िया सी लेमन टी और इसके बाद हम चलेंगे काम पे। मॉर्निंग, और ये उठ गए हैं मिडल से। गुड मॉर्निंग। उठ तो मैं पहले भी गया था, मैं पापा आने के थे। हाँ, वो तो मैं बस आज मॉर्निंग के लिए आया था। और क्या है कि मैं भी चाय पीऊंगा क्योंकि मेरी ये वाली नाक बंद हो रही है और पापा आपको बाहर बुला रहे हैं। ठीक है, मैं लेमन टी लेकर। तो ये हमने अदरक तुलसी और लेमन टी बना ली है मिला करके और सबको कोल्ड हुआ है, मेरी आवाज़ भी काफ़ी दबी हुई है। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? So what is the plan of the day? High five, makhan malai. मैं जा रहा हूँ चिमनी साफ करने। तो ये बढ़िया सी अदरक लेमन वाली टी लेकर के हम पहुँच गए पीछे लॉनिंग एरिया में। और क्योंकि आज है संडे तो थोड़ा सा रहता है रिलैक्स, थोड़ा सा रहता है फैमिली टाइम और ये होता है आज का थोड़ा सा मी टाइम। तो थोड़ा सा शेयरिंग हो जाती है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो जाता है, कुछ बातें हो जाती हैं। और यहाँ पर मृदुल कर रहा था वीडियोग्राफी। तो ये चाय अपनी कंप्लीट करने के बाद हम शुरू करते हैं चिमनी क्लीनिंग। तो आज संडे में स्पेशल टास्क था ये चिमनी क्लीन करना। ये लास्ट 3 मंथ से ना क्लीन ही नहीं हो पाई, टाइम मैनेज नहीं हो पाया। हर 1.5 से 2 महीने में तो एनी हाउस को क्लीन पूरा करते हैं। अभी एक्चुअली इसमें क्या हुआ था आपको दिखाते हैं, ये जो इसका क्या रहता है बर्निंग वाला, उस पर बना दिया चिड़िया ने घोंसला। चिड़िया ने घोंसला बना दिया तो इसकी सारी ब्लॉक हो गया, हमें मालूम ही नहीं था। और ये देखिए पूरा ऑयल वगैरह सब ना इकट्ठा हो गया, जाम हो गया इस पर। हम क्या कर रहे हैं, ये मैंने लिया सोडा, बेकिंग सोडा, और इस पर डाला लिक्विड विम्बार और विनेगर। तो इसका ये लिक्विड बना लिया है क्लीन के लिए और इसको इससे बढ़िया करके साफ़ कर रहे हैं। अभी यहाँ पर ना सारी ऑयलिंग क्लियर थी। तो ये देखिए देख कैसे क्लीन हो रहा है इसको, पूरा का पूरा जमा है जैसे उसके नाल का सारा के। ये सोल्यूशन एकदम से इसको क्लीन कर देगा, साथ में 2 गर्म पानी की बाल्टियाँ वॉशिंग पाउडर डाल के रेडी कर ली है। सारा सामान पहले रेडी कर लिया तो इसमें लगना है पूरा 1 घंटे से ऊपर, है ना ज़्यादा। और ट्रे ऑलरेडी इसकी क्लीन हो चुकी है, कंप्लीट ओवरऑलिंग है। तो ये ट्रे तो हम जनरली हमेशा क्लीन करते ही रहते हैं, हर मंथ में ही क्लीन हो जाता है, बट इस पर हमने कभी ऐसे ध्यान नहीं दिया। तो देखा तो बाद में तो बहुत जाम था, यानी ये सोचिए 4 साल हो गए होंगे। 4 साल से पूरा, मतलब ऊपर से यहाँ पे इस पे क्या होता है आपको मालूम ही है, यहाँ से हॉट वाटर डाल करके इंटरनल क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है, ऑटो क्लीन का सिस्टम रहता है इसका। तो वो करते थे बट इसमें शायद लास्ट ईयर चिड़िया ने लगा दिया अंदर जाके घोंसला और ये जाम होने लगा। हम सोचे चिमनी काम ही नहीं कर रही है, तो फिर इसका पूरा रिसर्च किया गया। तो आज ये निकाला है पूरा नीचे और चल रही है इसकी क्लीनिंग। आफ्टर कंडीशन।
तो चिमनी क्लीन करने के बाद फ़र्श भी गंदा सा हो गया था, इसकी बढ़िया से कर दी धुलाई और इसके बाद वापस चले गए हम अंदर किचन में। तो जहाँ पर चिमनी हैंग रहती है इस एरिया में लेफ़्ट राइट और इसके पीछे ना काफ़ी ग्रीसी, यहाँ पर एकदम ऑयली सा हो गया था। आप देखिए कॉर्नर भी अभी क्लीन नहीं हुए हैं, तो मैंने इसको बढ़िया से सेम जो सोल्यूशन बनाया हुआ था इससे ना बहुत बढ़िया से सनमाइका और टाइल्स बढ़िया से साफ़ हो जाती हैं। तो ये सब क्लीन किया, इसके नीचे भी गैस के जस्ट लेफ़्ट राइट में वाले पास वाले एरिया में यहाँ पर बिल्कुल एक एक फिट तक तो बहुत ज़्यादा गंदा ग्रीसी सा हो गया था। उस सॉल्यूशन से देखिए एकदम वाइट हो गया, अभी सारा साफ हो गया है ये, और हमने मेहंदी भी लगा ली थी साथ में। तो फाइनली ये आफ्टर वाला लुक, क्लीन ग्लास क्लीन बना दी अभी इसको पूरा, और ये पूरा आपको दिखाया था पहले पूरा कवर था, ग्रीसी हो गया था, ये दिख ही नहीं रही थी मोटर, और ये सारा यहाँ पर ये पूरा भरा हुआ था, यहाँ पर चिड़िया ने बना दिया था घोंसला अपना, सारे घास उठाई सब कुछ उठाया और पूरा हटाया है, क्लीन किया है पूरा चारों तरफ से इसको। तो ये चिमनी की डीप क्लीनिंग का बहुत बड़ा टास्क मेरा फाइनली आज निपट गया। इसके बाद दोबारा से नहा धो करके सबसे पहले मैं इधर मशीन में डाल दे रही हूँ सारे कपड़े, तो जब तक मैं लंच बनाऊँगी तो इधर कपड़े भी मेरे तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए चिमनी हो गई अभी बढ़िया से क्लीन। तो 4 साल यानी लगभग 5 साल हमें हो चुके हैं इस घर पे, नए घर पे आए हुए, तो उतने ही साल इस चिमनी को हो गए। और ये इसके बाद सिंपली लंच रेडी कर लिया, कड़ी और चावल और रोटी सैलेड, तो और साथ में लगी थी मेहंदी। सर्वर धो के नहा धो के आ गए, अब जल्दी से कर लेते हैं लंच, बच गया है 2। तो ये था आज का छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। तो अगर ये आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और अगली बार हम और अच्छा वीडियो और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आप तक शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं दोबारा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।